हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लेवर फिस्ट पर। मैं एक कटोरी गेहूं का आटा ली हूँ। आज मैं गुपचुप बनाने जा रही हूँ। पानी पूरी भी बोलते हैं, गोलगप्पे भी बोलते हैं उसको। एक कटोरी में ऐसे ले लेती हूँ, एक कटोरी में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है तो उसको स्किप कीजिए। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका डो बना लेना है। डो इसका अच्छे से टाइट होना चाहिए और इसे 2 से 3 घंटा भिगा के रखना पड़ेगा डो बनाने के बाद। इस प्रकार आटे का अच्छे से डो बना लेना है टाइट। रोटी का रहता है उससे थोड़ा टाइट रहेगा ये। इसे 2 से 3 घंटा मैं भिगा के रख देती हूँ ढककर। ये अच्छे से मिल चुका है आटा, इसका डो अच्छे से तैयार हो गया है। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। इस प्रकार छोटी छोटी ऐसे लोई तोड़ लेना है, एक ही साइज का। आप चाहो तो चाकू से भी काट सकते हो, मैं हाथ से कर रही हूँ। हल्का सा इसमें तेल लगा देना है सभी में अच्छे से, ताकि आपस में चिपके मत। इस प्रकार लोई को लेके ऐसे गोल कर लेना है। रोटी का बनाते हैं वैसी, ऐसे सारे लोई को इसी प्रकार कर लेना है गोल। इधर एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए मैं रख दी हूँ। इस प्रकार ऐसे मैं पॉलीथीन में लेके इसको बेल रही हूँ, इससे क्या चिपकेगा नहीं। इस प्रकार इसको इधर एक कपड़े में ऐसे रख लेना है फैलाकर, सारे गुपचुप को इसी प्रकार फैलाकर इसमें रख लेना है। इस प्रकार तल कर इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। धीमी आंच में इस प्रकार सेकना है। गैस का फ्लेम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, धीमी आंच में आराम से सेकना है। ये गोलगप्पे का पानी भी बनकर तैयार हो गया है। मैं घर में ही बनाई हूँ इसको भी। इसमें हरी वाली मिर्ची डाल रही हूँ, मिर्ची धनिया का पेस्ट, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये पानी पूरी बनकर तैयार हो गया है। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक जितने लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।